वहीं बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस सरकार में चल रहे आपसी बंटवारे पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान की राजनीति के अंदर समुद्र मंथन चल रहा है और यह समुद्र मंथन देवताओं का नहीं है, यह अवसरों का समुद्र मंथन है। इस समुद्र मंथन के अंदर जो अमृत रूपी प्रसाद निकलेगा, वह अमृत रूपी प्रसाद लेने के लिए कोई कह रहा है कि हम बसपा से आए हुए हैं, 6 लोग हैं, हमें मिलना चाहिए, और कोई कह रहा कि हम 19 का गुट हैं, हमें मिलना चाहिए। तो कोई कहता है कि कल जो हुआ उसमें हम 13 निर्दलियों का अलग गुट है, हमें मिलना चाहिए। वही कोई कह रहा है कि हमारे वर्तमान मुखिया के हम 53 का गुट हैं, हमें मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि राजस्थान की राजनीति के अंदर यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि समुद्र मंथन के अमृत पान का रसपान करने के लिए कोई कह रहा है हमें भूमि आवंटित की जाए, कोई कह रहा हमें माइंस अलॉट किए जाए, कोई कह रहा हमें किसी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन राजस्थान की 7 करोड़ की जनता के हित की बात कोई नहीं कर रहा है। राजस्थान की राजनीति के अंदर समुद्र मंथन चल रहा है और यह समुद्र मंथन देवताओं का नहीं है, यह असुरों का समुद्र मंथन है। इस समुद्र मंथन के अंदर जो अमृत रूपी निकलेगा प्रसाद, वो अमृत रूपी प्रसाद, कोई कह रहा है कि हम बसपा से आए हुए 6 लोग हैं, हमें मिलना चाहिए, कोई कहते हैं कि हमारे 19 का गुट है, हमें मिलना चाहिए, कोई कहते हैं कि कल जो हुआ 13 निर्दलियों के लिए दावा किया गया कि हम अलग गुट है हमारा, हमें इस अमृत का प्रसाद मिलना चाहिए, कोई कह रहा है कि हमारे वर्तमान मुखिया के 53 है, हमें मिलना चाहिए। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की राजनीति के अंदर ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि इस समुद्र मंथन का अमृत का रसपान करने के लिए कोई कह रहा है कि हमें लैंड अलॉट की जाए, कोई कह रहा है कि हमें माइंस अलॉट की जाए, कोई कह रहा है कि हमें बोर्ड निगम का चेयरमैन बनाया जाए, कोई कह रहा है कि हमें मंत्रिमंडल के अंदर जगह मिलनी चाहिए। राजस्थान की 7 करोड़ जनता के हित की बात कोई नहीं कर रहा।